करता हूं आपका एक और न्यू वीडियो पे। तो दोस्तों होप करता हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लियोगे और बेल आइकन को भी दबा लियोगे। तो दोस्तों आज आप जैसे थंबनेल और टाइटल पढ़ के आप लोग को समझ में आ गया होगा कि किस बारे में ये वीडियो है। तो दोस्तों आज हम लोग तो इस बारे में वीडियो बनाने वाले हैं। तो दोस्तों हमारी ये HF डीलक्स है, तो मैं दिखा रहा हूँ आपको कि आप देख लीजिए HF डीलक्स हमारी है, जो मैं मेरी लगभग 6 महीने हो गई है मुझे ली हुई। इसकी रिव्यू भी मैंने वीडियो में दे दिया है, आप डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक चेक कर सकते हैं, आपको मिल जाएगी। तो दोस्तों आज मैं बेसिक तौर पे आज मैं वीडियो बनाने वाला हूँ उस पर कि आप HF डीलक्स 2019 में क्यों लें, दोस्तों इसमें क्या खास बात है, लें या नहीं लें। तो दोस्तों चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करने में आपको मैं सबसे पहला रीजन बता देता हूँ कि अब सबसे पहले मैं नेगेटिव बात बताता हूँ कि इसकी का क्यों नहीं लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, मैं पहले ये बात बता देता हूँ क्यों नहीं लेनी चाहिए 2019 के। सबसे पहला मैं बात बता दूँ दोस्तों कि आप 110 सीसी के सेगमेंट में अगर आप ये बाइक खरीद रहे हैं तो आपको जो है दाम जो है दोस्तों अधिक मिलता है। वो कैसे, आपको जो है 62 के लगभग आपको पड़ ही जाता है। अभी जो आपको जो नया बजट, ये अभी 2019 का जो बजट आया है दोस्तों, उस हिसाब से इसकी GST कॉस्ट और जितने भी इंश्योरेंस लगा के, तो ये इसकी कॉस्ट जो है दोस्तों 65 के लगभग पड़ ही जाएगी मुझे जैसा लगता है। तो आपको जो ये 65 में पड़ेगी, तो इससे बढ़िया आप जो है अब जो पल्सर आ रही है, पल्सर 125 सीसी, वो आप ले सकते हैं। तो ये तो दोस्तों हो गई कि बजट की बात। अब दोस्तों दूसरी बात मैं सबसे बड़ी मेजर बात बता देता हूँ दोस्तों, ये गाड़ी में सबसे बड़ा हीरो की ये प्रॉब्लम होती है 110 सीसी के सेगमेंट में कि गाड़ी जो है वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा करती है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे कि वाइब्रेशन के तौर पे गाड़ी जो है बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है। वो कैसे मैं बता दूँ, इसकी जो ये आप देख रहे होंगे ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करती है और ये जो है ये सब ज़्यादा वाइब्रेट करती है दोस्तों, जो कि इंजन जो है थोड़ा सा आपको चलने में आपको पता चल जाएगा दोस्तों। जैसे आप बाइक को ड्राइव करेंगे कुछ, मतलब कि ज़्यादा लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा और ये सब भी थोड़ा थोड़ा जो है वाइब्रेट करती है। और तीसरी बात पे हम लोग जहाँ तक आते हैं दोस्तों, सबकी सबसे मेजर बात, क्योंकि दोस्तों ये सबसे मेजर बात इसलिए है क्योंकि आपकी सीटिंग पोजीशन, आप जैसा कि मैं आप इधर आ जाइए देख लीजिए, सीटिंग पोजीशन में आपको दिखा देता हूँ। सीटिंग पोजीशन जो है आपकी दोस्तों एकदम स्ट्रेट आ रही है दोस्तों, जरा सा बस आपको यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिया जाता है स्क्रू और बाकी ये स्ट्रेट है। तो स्ट्रेट होने के कारण जो है दोस्तों, आपको स्ट्रेट होने के कारण जो है आपको जो है प्रॉब्लम करती है लॉन्ग रूट में ड्राइव करने में। आप जैसे लोकल चलाते हो, जैसे आप मार्केट में जैसे चलाते हो, तो उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं करेगी, आपको अच्छा लगेगा। मगर आप जब लॉन्ग रूट पे जाओगे तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे प्रॉब्लम पे आपको दिखेगी और आपको पीछे वाले बैठने को तो कोई ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। जो गाड़ी ड्राइव करेंगे जैसे ड्राइवर वाले को, तो ड्राइवर को उसको आपको पक्का इफेक्ट पड़ेगा और वो गाड़ी लॉन्ग रूट पे चलाने में उसको दिक्कत होगी, जैसे कि बैक में पेन आ सकती है दोस्तों। तो ऐसा मैं भी इसमें किया हूँ दोस्तों, एक्सपीरियंस है मुझे भी, मैं बाइक बहुत लॉन्ग रूट तक गया हूँ। ये तो भी दोस्तों सीटिंग पोजीशन। अब चौथी पोजीशन मैं आपको बता दूँ, जो चौथी बात जो है दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि मैं आपको एक बार वीडियो में बताया था कि लाइट इसकी अच्छी है दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताया था। मगर दोस्तों इसकी लाइट जो है, लाइट नाइट में दोस्तों, नाइट व्यूज जो है आपको अच्छी नहीं मिलती है। मैं आपको इसमें एक्सपोज करता हूँ इसको हीरो की ये लाइट की, क्योंकि ये जो हेलोजन लाइट है आप जैसा कि बल्ब देख सकते हैं, ये हेलोजन बल्ब जो है दोस्तों, ये हेलोजन बल्ब आपको सही नहीं मिलती है। ये मैं इसको एक्सपोज करूँगा, आप इसे बल्ब नहीं ले सकते, ऐसा नहीं लीजिए। मैं बिल्कुल मजाक पे, इसमें अच्छी बात नहीं है इसमें, क्योंकि दोस्तों इसकी लाइट ही नहीं है अच्छी जो आप ड्राइव कर सके बढ़िया से। अब दोस्तों जैसा कि चौथी बात, पांचवी बात दोस्तों, ये तो चौथी बात हो गई थी, पांचवी बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों, इसकी सेल्फ में प्रॉब्लम आ जाती है। ये जो आपकी सेल्फ है दोस्तों, इसमें सेल्फ में प्रॉब्लम आ जाती है। और जैसे कि जरा सा भी पानी का, जैसे कि पानी का मौसम है दोस्तों, अभी तो पानी हर जगह है, तो दोस्तों वो पानी के मौसम में जैसे कि आपके पानी जरा सा भी जाती है चाहे कुछ भी होता है, तो आपका गियर में जो है दोस्तों, ये हीरो की सभी बाइक में प्रॉब्लम है। मैं सिर्फ HF डीलक्स में नहीं बता रहा हूँ, ये हीरो की टोटली बाइक है, मेरे दोस्त लोग के पास भी और मेरे रिलेटिव के पास भी है। तो हीरो की बाइक में ये प्रॉब्लम है कि अगर आपकी गियर में गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है दोस्तों, क्लच लेने के बाद सेल्फ मारते हो तो नहीं स्टार्ट करती, ये 100% इसमें प्रॉब्लम है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब ये तो हो गई दोस्तों आप नेगेटिव बात। अब पॉजिटिव पार्ट स्टार्ट करते हैं। जैसे कि पॉजिटिव पार्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि अच्छी बात इसमें क्या है कि अगर आप 110 सीसी के सेगमेंट में अगर आप ये खरीदते हो HF डीलक्स 2019 में, तो दोस्तों इसकी सबसे अच्छी बात क्या है, ये इसका सबसे अच्छी माइलेज,
तो दोस्तों इसका माइलेज जो है 70 का आपको माइलेज इसमें अचीव मैंने किया है दोस्तों। तो 70 का माइलेज बहुत ज़्यादा माइलेज होता है दोस्तों आज के टाइम में दोस्तों। आज इतनी पेट्रोल की कीमत बढ़ चुकी है, उसमें आपको 70 का माइलेज ही अच्छा दे सकती है। प्रूफ के साथ में आपको बनाऊंगा एक वीडियो अलग से इसके, मगर ये 70 का माइलेज देती है दोस्तों 100%। अब दोस्तों जैसा कि आप देख रहे होंगे कि मैं IBS वाला वर्जन लिया हूँ, आप देख रहे होंगे जैसा कि ये मैं IBS वाला जो वर्जन लिया था दोस्तों, इससे मुझे बेनिफिट ये हुई कि गाड़ी आपको स्कीड नहीं करती है दोस्तों, क्योंकि एक तो गाड़ी हल्की है दोस्तों और पिकअप बहुत अच्छा है, पिकअप अच्छी है दोस्तों, ये मैं बताऊंगा नेक्स्ट बात पे। मगर जो है आप अगर ब्रेक मारते हो तो 60 और 40 का रहता है दोस्तों, जैसे कि आप पीछे का मारते हो तो 60% पीछे का लगता है, 40% आगे की ब्रेक लगती है। जैसा कि आप ये देख लेंगे कॉम्पी ब्रेकिंग सिस्टम के जैसा ये आपको एंटीग्रेटिव ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है, तो आप ये चीज़ दे सकते हैं, ये बेनिफिट है दोस्तों। और फिर उसके बाद आप माइलेज की जब बात करते हैं कि माइलेज इसमें इंप्रूव कैसे होती है और इंक्रीज कैसे होती है, जैसा कि आप इधर देखिए, इधर आ जाइएगा जरा सा, तो मैं आपको दिखा दूं कि ये i3s वाला मॉडल मैंने लिया था, मैंने परचेज जो किया था i3s वाला मॉडल मैंने परचेज किया था। तो दोस्तों i3s वाला जो मॉडल किया था मैंने परचेज, तो आप इसमें क्या होती है दोस्तों, जैसे कि आप कहीं भी आप रुके हुए हो, कहीं भी आप जैसे जा रहे हो, आप अचानक ही आपको है ना ट्रैफिक रुकना पड़ जाए, तो आप गाड़ी को मतलब ऑफ कर दीजिए, फिर मतलब कि गाड़ी न्यूट्रल करके 5 सेकंड में ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी और क्लच लेने के बाद आपका गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी। इससे क्या होता है आपका फ्यूल जो है बचता है दोस्तों, सबसे बड़ी बात आपकी फ्यूल इसमें बचती है, ये तीसरी बात हो गई। अब चौथी बात मैं आपको बता दूँ दोस्तों, चौथी बात में क्या है कि अगर आप जैसे कि आपकी जो ये गाड़ी की जो हाइट है दोस्तों, जैसा कि आप देख लीजिए गाड़ी की जो ये लेंथ है, ये लेंथ आपको जो है आपको लगेगी कि आप जो है 125 सीसी के सेगमेंट में ही गाड़ी चला रहे हो, इसमें आपको कोई इसमें कटौती नहीं की है हीरो की तरफ से, 125 सीसी का ही गाड़ी आपको लगेगी कि आप ड्राइव कर रहे हो। और पिकअप की बात जो कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको बताया कि हाइट और लेंथ के बारे में, क्योंकि इसकी टायर साइज आप देख लीजिए, टायर जो साइज है आपका वो आप देख लीजिए, जो टायर साइज आपको जो मिलता है दोस्तों ये इनफ है। आज अभी के मामले में आपको जो है 18 इंच का टायर इसमें प्रोवाइड किया जाता है, जो कि मैं आपको बता दूं, इसलिए इसका माइलेज और स्पीड भी आपको यहाँ पे इंक्रीज होकर के अपडेट होकर के मिलता है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लफड़ा हो रहा है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको पूरा जानकारी देना चाहता हूँ, इसलिए पूरा वीडियो को देखिएगा समझ में आएगा। तो दोस्तों आप जो है पूरा इंक्रीज होने के चलते, इसी का रीज़न है कि आपको जो है अच्छा पिकअप स्ट्रेट मिलता है और आपको यहाँ पे अच्छा सस्पेंशन होने के कारण, जैसा कि आप देख लीजिए यहाँ की सस्पेंशन जो है, थोड़ा सा दोस्तों माइंड नहीं करिएगा गाड़ी गंदा हो गई है बारिश का मौसम है, तो जैसा कि आप सस्पेंशन देख सकते हैं दोस्तों, सस्पेंशन इसकी बहुत ही अच्छी सस्पेंशन दी गई है, जो कि आप लॉन्ग रूट में जाने के बाद जो है आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बस आपको सीटिंग पोजीशन मैंने आपको जैसे बताया है इसकी सीटिंग पोजीशन के कारण आपको बस प्रॉब्लम हो सकती है, उसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। और जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि आप पिकअप के बारे में बता देता हूँ, इसकी टॉप स्पीड जो है दोस्तों, टॉप स्पीड मैंने जो लेके गया है, मैंने इसको 100 से मतलब कि 95 तक मैंने इसको लेके गया, उसके बाद जो है इंजन बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करने लगी थी, तो ये प्रूफ है, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा, इसका वीडियो मैंने किया है 95 तक ये गई, उसके बाद इसकी पूरा इंजन जो है और पूरा बॉडी जो इसकी वाइब्रेट होने लगी, जो कि मैंने आपको बताया कि वाइब्रेट होती है गाड़ी, तो बहुत ज़्यादा वाइब्रेट होगी, तो इसलिए मैं इसको छोड़ दिया। तो दोस्तों अंत में मैं आपको बता दूँ कि इसकी टोटल चीज़ मैं बता दूँ तो, मगर फिर भी आपको अगर लेना है दोस्तों तो आप ले सकते हैं, मैंने भी ली है और मुझे तो मार्केट पे और जैसे लॉन्ग रूट पे भी मैं कभी कभी जाता हूँ, तो हम लोग तो यूथ है तो युवा लोग चला सकते हैं बाइक में, युवा को कोई दिक्कत नहीं होगी, जैसे कोई मेरे पेरेंट्स चलाते हैं, जैसे मेरे पापा ही चलाते हैं, तो उनको थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो यंगर नहीं है अभी थोड़ा सा, तो उनको चलाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, किसी के भी पेरेंट्स को भी दिक्कत होती होगी, जैसे कि आप लोग की भी पेरेंट्स अगर ड्राइव करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, अगर आप अपने लिए ले रहे हो, आप स्टूडेंट हो तो बेहतरीन बाइक है, क्योंकि मुझे भी ट्यूशन जाना पड़ता है दोस्तों और YouTube के वीडियो के कारण इधर उधर जाना पड़ता है छूट के, तो मुझे ये बहुत बेनिफिट करती है दोस्तों। आप 70 का माइलेज आपको 100% ये देगी, मैं इसका वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर दिखाऊंगा, आप ये लीजिए, हम बिल्कुल लीजिए, मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि मत लीजिए, ले लीजिए, बस ये बाइक सही है और 100% मैं इसका गारंटी देता हूँ बाइक सही है। तो कैसा लगा वीडियो आप दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिए बेल आइकन दबा करके, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लीजिएगा जरूर से ज़रूर, आप भी दोस्तों कमेंट करिएगा जरूर नीचे, आप कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके, एक लाइक दबा दीजिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों, चलिए भारत माता की जय।